हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश श्रीवास्तव और आज जो जीएस का चैप्टर है वो है भारत के प्रमुख बंदरगाह। बंदरगाह में भी हम लोग पढ़ेंगे भारत के बड़े बंदरगाह। एक्चुअली भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या है 12 और इस बंदरगाहों का नियंत्रण का काम है केंद्र सरकार का। यानी बंदरगाह का, बड़े बंदरगाहों का जो विषय है वो है सातवीं संविधान के सातवीं अनुसूची के केंद्र सूची में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस मैप के ओर देखा जाए तो उस पर थोड़ा सा गौर किया जाए कि इस साइड आपको ये जो बंदरगाह देख रहे हैं ये करीब 6 है, यानी आपको 12 बंदरगाह हैं तो 6 इस साइड में है और 6 इस साइड में है। तो इस साइड वाले को कहते हैं हम लोग पश्चिमी घाट और इधर वाले को बोलते हैं हम लोग पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट यानी अरब सागर किनारे और पूर्वी घाट इसका मतलब बंगाल की खाड़ी के सामने। तो अब आते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग पश्चिमी घाट से। तो सबसे पहले ऊपर जो देख रहे हैं ये है गुजरात। गुजरात में है जो बंदरगाह उसे हम लोग बोलते हैं कांडला। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है और यहाँ पर मुक्त व्यापार केंद्र क्षेत्र स्थापित है। यह उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा आपूर्ति करता है सामानों का। उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और यह सबसे व्यस्त बंदरगाह भी है। और उसी की व्यस्तता को कम करने के लिए एक और बंदरगाह बनाया गया जिसका नाम है नहावा सेवा। नहावा सेवा, चूँकि इसे हम लोग जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं और यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है और यहाँ पे भी मुक्त व्यापार केंद्र क्षेत्र स्थापित किया गया है। अब आते हैं गोवा। गोवा में जो बंदरगाह है उसे हम लोग बोलते हैं मार्मा गोवा। मार्मा गोवा जो जुआरी नदी के किनारे स्थित है और यह प्रत्येक पर्यटन के दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में है आपका न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर चूँकि फेमस क्या है कि कर्नाटक में एक जगह है जिसे हम लोग बोलते हैं कुद्रेमुख। कुद्रेमुख से लॉ अयस्को न्यू मैंगलोर से ईरान की ओर निर्यात किया जाता है। अब उसके जस्ट नीचे आते हैं, ये है केरल। अब केरल में जो बंदरगाह है वो है कोच्चि। कोच्चि तो ऐसी फेमस है क्योंकि इसे अरब की रानी कहा जाता है। और ये जो बंदरगाह है ये एक झील है, वेम्बनाड झील, वहीं पे स्थित है और इसे पूर्व का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह भी कहते हैं। अब इस साइड आते हैं यानी पूर्वी तट पे, तो सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पे तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको 3 बंदरगाह है। तो सबसे नीचे वाला जो ये तुतीकोरिन। तुतीकोरिन भारत का सबसे दक्षिण में स्थित बंदरगाह है और इसे मत्स्य बंदरगाह भी कहते हैं। उसके जस्ट ऊपर एन्नोर। एन्नोर चूँकि ये भारत का पहला कंप्यूटराइज बंदरगाह है, बहुत आधुनिक बंदरगाह भी है और ये एशियाई विकास बैंक के सहयोग से बना है और अभी हाल ही में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसका नाम हो गया है कामराज बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह के जस्ट ऊपर देखते हैं तो ये है आपका चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, लेकिन कृत्रिम है, लेकिन यह सबसे, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। उसके बाद ऊपर है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है आपका विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और काफ़ी खूबसूरत बंदरगाह है, इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह का दर्जा दिया गया है। और चूंकि यह बंदरगाह एक पहाड़ी है उसके किनारे स्थित है, पहाड़ी का नाम है डल्फिन नोज और ये बरसात से इसको बचाता है, इस बंदरगाह को। अब आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में है आपका पारादीप। पारादीप चूंकि उड़ीसा में लौह अयस्क जो उत्पादन होता है उस लौह अयस्क को जापान में भेजने के लिए इस बंदरगाह को बनाया गया है। उसके जस्ट ऊपर आते हैं वो है आपका पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में जो बंदरगाह है वो है कोलकाता। कोलकाता चूंकि कलकत्ता से 64 किलोमीटर दूरी पर बना हुआ है, ये एक्चुअली हुगली नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए इसे नदिया बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जहाज बना हुआ है जिससे आकर जहाज रुकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डायमंड हार्बर। तो ये है आपके 12 बंदरगाह। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।